हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में असाइनमेंट जमा करने के बाद आपको एक रिसीप्ट कॉपी आपके पास रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर के लिए ये आपकी सेफ के लिए है। तो उसका सैंपल कैसे होगा ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। ये एक सैंपल है, आप इसको हिंदी में और इंग्लिश में कर सकते हो। तो पहले ऊपर जो होगा NIOS d.el.Ed की असाइनमेंट और आपका नाम होगा, स्टूडेंट का जो नाम, और उसके नीचे स्टडी सेंटर, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, और जो ये जो बॉक्स है, बॉक्स में तीन कोर्स का नाम होगा 501, 502 एंड 503। एंड इन एवरी कोर्स देयर आर थ्री असाइनमेंट, तो असाइनमेंट 1, 2, 3, तो टोटल 9 बॉक्स होगा असाइनमेंट के लिए। इस तीनों में तीन 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 करके इसमें टिक होगा और आपका सिग्नेचर होगा, और जो स्टडी सेंटर की कोऑर्डिनेटर है उसका सिग्नेचर होगा। तो ये आपके पास रिसिप्ट कॉपी के तरह रहेगा। तो ये जो रिसिप्ट कॉपी है ये स्टडी सेंटर से नहीं मिल रहा है, ये आपको खुद को बनाना होगा। आपके सेफ के लिए आप इसको बना के असाइनमेंट जमा करने के लिए जाएंगे। थैंक यू।